सल्लतु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ले अला या अकीलतुल कुरैश या मलिकतु शाम या उम्मुल मसायब या मरहमतुल मुसर्रत सैयदा आलिया बिन्त अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुआ है मालिक कायनात तमाम उलमा-ओ-ज़ा करिंदा खिताब बानियां दी पुरखलूस सफ़े मातम बिछाई तमाम मोमिनीन दा मुकद्दस मकाम ते टुराया मालिक अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमा। मालिक कायनात बानियान नूं सरकार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम दे खजाने चो रिज़्क कसीर अता फरमावण। पाक करीमे अहले बैत मुश्ताक हुसैन नूं मालिक कायनात सेहत तंदुरुस्ती अता फरमावण और चाकर नूं मौला इमाम हुसैन बादशाह अपने खजाने चो रिज़्क कसीर अता फरमावण। खानदान के जितने मरहूमीन ने मालिक तमाम दे दर्जात बुलंद फरमावण। कैम आले मोहम्मद अलैहि सलाम दा जल्द अज जल्द ज़हूर होवे। मिल के सलावात पढ़ सलावात दा पढ़ना अजीम इबादत है। सारे मिल के बावाज़े बुलंद सलावात पढ़ो। अल्लाह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम दा फरमान है कि जेड़ा बंदा आंदा है कि मैनू तंदुरुस्ती नहीं लभदी या जेड़ा बंदा आंदा है कि मैं मोहताज हाँ, मालिक दा फरमान है कि वह बंदा साड़ी मजलिस च बह के लंबे लंबे साह लवे ते साड़े ते दरूद पड़े ते असी उन्हूं लंबी जिंदगी अता करांगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। मिलके बोलो हैदरी। मिलके सलावात पढ़। माशाल्लाह कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलियल अज़ीम। बिस्मिल्लाह मुतमस्कीन बेवलायत अली अलैहि सलाम। नारा हैदरी अस्सलातु वस्सलाम अला सैयदतिल जलीलतिल मखदूमतिल मासूमा मुअज़्ज़मतिल मुकद्दसतिल करीमतिल सदीकतिल कुबरा आलिमा गैरे मौलिमा सलावात। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़कद काल अल्लाहु ताला फी किताबिल हमीद वल फुरकानिल मजीद वहुवा अस्दकु सादिकीन। वा कौलुहुल हक यौमा नदू कुल्ला उनासिन बे इमामिहिम सलावात। मालिक कायनात उन किसे दा मोहताज ना करन। एक छोटी जी गुजारिश करनी है जे अगर तुसी नाराज ना हो तो उठ के ना ते थोड़े थोड़े अगे तशरीफ ले आओ ताकि मजलिस पाक का माहौल बन जाओ। तुसी भी अगर कोशिश करो तो तशरीफ ले आओ। मालिक कायनात उन्हों से तो तंदुरुस्ती और मालिक लंबी जिंदगी अता फरमावे। ए पखे का मूह ना जी इधर न कर दो मिंबर ऐसे कर दो। सादे के आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम दे कोल एक बंदा आया। उस आखिया कि मौला मेरे वास्ते दुआ करो।
इमाम फरमाया कि तू दुआ की कराना चाहना है, तेरे को दौलत बड़ी है, सवारियां बड़ियां, नौकर बड़े, तेरी तिजारत बड़ी। उस आख्या कि मौला दुआ करो कि मैनू जन्नत मिल जाए। इमाम फरमाया कि जन्नत तेनू मिल चुकी है, तू दुआ मांग के तेरी जन्नत कायम रही रहे। क्या बात है, तुहाडे समझण तो सदके। जदों आख्या ना मालिक ने कि जन्नत तेनू मिल चुकी है, तू दुआ मांग के तेरी जन्नत कायम रही रहे। उस आख्या मालिक जन्नत किवें मिली है? इमाम फरमाया कि साडी मुहब्बत दा नाम जन्नत है। मौला फरमाया कि तू दुआ ए मांग कि तेरी मौत साडी मुहब्बत ते आवे। इस दी इको थोड़ी जी घट करो ताकि समझ आवे मैं केड़ा कसीदा पढ़ना है। इमाम सादिक अलैहि सलाम दा एक नौकर है बाबा जी, वो आया मालिक दे कोल। उस आख्या मौला मा अल हुज्जत, मौला हुज्जत किस नूं आंदे? इमाम फरमाया कि याद रख, अगर हुज्जत खुदा दा वजूद कायनात च ना होवे ते दुनिया तबाहो बर्बाद हो जाओ। क्या बात है। फिर मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि याद रख, अगर तुहाडे सिर दे उत्ते मौत दी तलवार लटक रही हो, मौला फरमाया कि तुहाडा कोई पुरसाने हाल ना होवे, कोई बचण दी तरकीब ना होवे, मालिक फरमाया कि उस वक्त तुसी वक्त दी हुज्जत नूं पुकारो, लम्हे विच तुहाडी मदद आके फरमावणा। इमाम फरमाया कि याद रख, हर बंदे वास्ते जरूरी है, वाजिब है वक्त दी हुज्जत दी मारफत। समझ आउंदी भी मेरी गल दी? मैं बानी दी असीयत नाल मेरा कुछ वक्त इत्थे गुजरिया है, तकरीबन सारे चेहरे जिहड़े ने मैं उन्हां तों वाकिफ हाँ। इमाम हुसैन बादशाह तुहानू उसे तो सलामती अता फरमाण, मालिक तुहानू बच्चे नाल आबाद शाद फरमाण। मिंबरे पाक दे उत्ते आवण दा जिहड़े मकासिद ने या जो कुछ बानी दे मकासिद ने वो यही ने कि मजलस पाक दे विच्चू चलो सारे नहीं तो कम अज़ कम एक बंदे दे अंदर भी मालिक दा फरमान रह जाए तो जरिया निजात हो जाए। तवज्जो है मेरे पास। मालिक ने फरमाया कि बंदे वास्ते जरूरी है, वाजिब है हुज्जत खुदा दी मारफत। और मालिक फरमाया कि याद रख, जिहड़ा निज़ाम खालिक कायनात ने बनाया है ना आदम तो लैके, मालिक फरमाया नाना मोहम्मद मुस्तफा तक ये दुनिया का निज़ाम, मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि याद रख, इस निज़ाम की मरकजियत खालिक कायनात ने हुज्जत खुदा नूं अता की। तवज्जो करे। सैल पूछा कि मालिक विलायत मुतलका से क्या मुराद है? कि विलायत मुतलका क्या? इमाम फरमाया कि याद रख, जो हम इरादा करते हैं वही तौहीद का इरादा होता। मोहम्मद वाले मोहम्मद बलंतर सलावत। सैल पूछा कि मालिक वक्त दी हुज्जत दी मार्फत किस तरह हासिल करां? इमाम फरमाया कि हुज्जत खुदा दी मार्फत वास्ते बाबा जी मालिक ने दो दलीलां अता कीती, एक दलील सामित एक दलील नातिक। मालिक फरमाया कि सामित कुरान है, मौला फरमाया कि नातिक हम 14 हैं। तवज्जो है मेरे पास। मौला फरमाया कि याद रख, सरकार मोहम्मद मुस्तफा दी नबुवत दी मार्फत वास्ते दो दलीलन, एक सामित एक नातिक। सामित कुरान है, नातिक मौला अली अलैहिस्सलाम। मौला फरमाया कि सरकार अमीरे कायनात दी इमामत दी मार्फत वास्ते दो दलीलन, एक सामित एक नातिक। सामित कुरान है, नातिक मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने। मौला फरमाया कि याद रख, मौला इमाम हसन बादशाह दी इमामत दी मार्फत वास्ते दो दलीलन, एक सामित एक नातिक। सामित कुरान है, नातिक मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी इमामत दी मार्फत वास्ते दो दलीलन दी जरूरत है, एक सामित एक नातिक। सामित कुरान है। तवज्जो मेरे पास करो। नातिक मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दी इमामत दी मार्फत वास्ते दो दलीलन, एक सामित है एक नातिक है। सामित कुरान है। नातिक मौला इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने। मौला इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम दी इमामत दी मार्फत वास्ते दो दलीलन, एक सामित है एक नातिक। हैदरी। ए पखा ना इधर ही रखो।
मालिक फरमाया कि सरकार इमाम बाकर अलैहिस्सलाम दी इमामत दी मारफत वास्ते दो दलीला ने, एक सामित है, एक नातिक है। सामित कुरान है, नातिक सरकार सादिक आले मोहम्मद। तो जो मेरे पास करे गल चलती चलती सरकार कैमे आले मोहम्मद तक पहुंची। खालिक कायनात नूं पता कि सामित दलील कुरान मौजूद है। मालिक कायनात ने नातिक दलील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं चौथे आसमान ते गायब कर दिता। जदों सरकार कैमे आले मोहम्मद दा ज़हूर होसी खाने काबे विच, तू बोल या ना बोल तेरी अपनी मर्जी, खाने काबे दा माहौल की होसी। खाने काबे दे उत्ते अलमे इस्लाम मौला गाजी अलैहिस्सलाम दा अलम होसी। खाने काबे चों जिहड़ी अजान होसी उहदे च अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीना व इमाम अल मुत्तकीना अली वलीउल्लाह दी सदा होसी। परेशान क्यों हो गए हो? जदों आलम जी आलम जदों कैम दा ज़हूर होना है, आले मोहम्मद की हकूमत होनी है। घर खाना काबा आले मोहम्मद है, ते खाने काबे विचों अजान भी वह होनी है जिहड़ी वारिस काबा की मर्जी होनी है। तवज्जो है मेरे पासे। सरकार कैम आले मोहम्मद दा ज़हूर उसी इमाम की पुश्त खाने काबे की दीवार नाल उसी। तवज्जो है मेरे पासे। उस वक्त सरकार ईसा अलैहिस्सलाम अक्सर नमाज का टाइम उसी। सरकार कैम आले मोहम्मद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अक्सर कि अल्लाह का नबी है, उलिल अज़म है, साहिब किताब है, तू नमाज पढ़ा। उस वक्त सरकार ईसा अलैहिस्सलाम अक्सर कि नहीं बतूल का बेटा, इस वक्त तू इमाम है, तेरी इतात मैं ईसा से वाजिब है। क्या बात है! सरकार कैम आले मोहम्मद अगू खलोसे, या मैं आखा कि बतूल के पुत्र का सर सजदे चो सी, मरियम दे पुत्र दा सर बतूल दे कदमा दे पुत्र दे कदमा विच सी। मैं ना मुसलमान हया कर जदों अली दे बारहवें पुत्र नूं ईसा जैसा नबी नमाज नहीं पढ़ा सकता, वत अली नूं मदीने दा सब्जी फरोश नमाज किवें पढ़ा सकदा। अली मौल दीन है हुज्जत खुदा दी इतात, दीन है हुज्जत खुदा दी मारफत। तवज्जो है मेरे पास। मस्जिद नबवी सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किताब का नाम है मुंतहुल अमाल। मालिक कायनात मस्जिद नबवी तशरीफ फरमाने, मौला दा सहाबी है, ना है जोहरी। जोहरी आख्या मौला इस साल हज ते रश बड़ा है, बड़ी रौनक है। बैठे हो के टुर गए? जो आख्या ना रश बड़ा है तो रौनक बड़ी है। इमाम ने फरमाया कि जोहरी हौसला। मालिक ने जोहरी दियां अखी ते हाथ रखिया, हाथ हटाया, जोहरी मौला दे कदमत डिग पे। उस आख्या मौला ज्यादा जानवरों की तादाद थोड़े हैं जेडे इंसान की शक्ल च ने। तो जो है मेरे पास। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि याद रख, ये इंसानी शक्लों में जो है ना, ये वो हैं जो हमारी विलायत का इकरार करते हैं। ओहो दीन है हुज्जत खुदा दी मार्फत, दीन है हुज्जत खुदा दी इताअत। गौर है मेरे पास। मौला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी च मालिक कायनात तशरीफ फरमा, लोगों का रश मस्जिद नबवी च। मौला ना सहाबी है, ना है तफजुल। बहुत सवर शाह जी मालिक कायनात ने तफजल नूं आख्या कि जेडे बंदे मस्जिद च बैठे ना, इन्हां कोल पुछ कि बाकिर उल उलूम कित्थे ने। परेशान तो नहीं बैठे? तफजल लेके एक बंदे कोल आया, आके पुछया, उन्हें ला इलमी का इजहार किया। उन्हें आख्या असी नहीं जानते कि इमाम कित्थे। तफजल वापस आया, उस आख्या मौला हैरानगी इस गल दी है कि बंदे सामने बैठे तुहाडे करीब करीब, लेकिन मौला उन्हें ला इलमी का इजहार किया। इतने तक एक अखी तो अन्ना बंदा मस्जिद दाखिल होया। बड़ा दुख लगेगा जेड़ा बंदा इस जुमले की कीमत अदा नहीं करेगा। इमाम फरमाया कि जाओ जेड़ा अखी तो अन्ना है ना, उदे कोल पुछ के पंजवा इमाम कित्थे। तफजल दौड़दा दौड़दा दरवाजे ते आया, उस नबीने कोल पुछया कि पंजवे मौला कित्थे। उस मुस्कुरा के आख्या कि वो सामने सतून के साथ रसूल का बेटा तशरीफ फरमा। हाय हाय तुहाडे समझण तो सदके जाऊं। तफजल वापस आया, मालिक दी बारगाह विच अर्ज किया कि मालिक अखी रख दे, ला इलमी का इजहार किया ने।
इमाम फरमाया कि तफज्जुल याद रख, हम जिसे चाहते हैं अपनी मार्फत अता करते हैं। ओहो मालिक फरमाया कि असी जिन्हों चाहने अपनी मार्फत दें। तफजल आखिया जेड़े बंदे अखी रख दें, मौला फरमाया इन्हां दियां अखी इस काबिल नहीं कि सानू वेख सकन। गौर है मेरे पास, जरूरी नहीं कि बंदा 1.5 लाख मुका के आया हुए तो गल चंगी करता है। जेड़ा इत्थों खलोंदा है ना वह भावें मस्कीन भी है ना, गल मौला मजलूमे करबला दी करदा। शख्सियत म्यार नहीं, जिक्र अहले बैत म्यार है। मालिक दा फरमान है हाँ सानू अपनी अखी इस काबिल करनिया चाहिए, अपने कान इस काबिल करने चाहिए ने कि इमाम की आवाज़ साढ़े कन्ना ते आ जाए। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, किताब का ना है मादी माऊद। मालिक फरमाया कि जब हमारे कैम का जहूर होगा तो कई हमारे मानने वाले कहेंगे कि हमने इनको पहले भी देखा था। यही अकीद है। और मजलसे च बा वजू होके बाना चाहिए, बा तहारत होके आना चाहिए, साड़ा ईमान नहीं। याद साड़ा ईमान है ना कि मालिक मजलसे तशरीफ फरमा आते तो फिर बा वजू होना चाहिए ना। पता नहीं केड़ा खुशकिस्मत है जिदे मोढ़े दे नाल मोढ़ा ला के मौला इमाम तशरीफ फरमा। बाबा जी छेवें इमाम को एक बंदा आया खुरासान, उस आख्या मौला तुसी ना खरूज करो, खुरासान दे शिया तैयार बैठे। इमाम फरमाया कि जा खुरासान च ऐलान करके आ कि रसूल दा छेवां जा नशीन प्यांदा है, अली दा बेटा प्यांदा है कि अपने सिर दे वाल मुना दिओ। तवज्जो है मेरे पास। कुछ दिन बाद वापस आया, मौला पूछया उस आख्या मौला मेरे तो इलावा किसी ने वाल मुनाए। इमाम फरमाया कि जेडे मेरे आखण ते सिर दे वाल कुरबान नहीं करते वह अपना सिर किस तरह कुरबान कर। मौला फरमाया कि मैं इंतजार चाह कि 16 मुखलिस बंदे आवन ते मैं खरूज करा। तो जिस इमाम दे इंतजार च असी बैठे हाँ उस इमाम नू कितने बंदियां दी जरूरत है बोलो। 313। इस वास्ते सानू हर वक्त तैयार रहना चाहिए। 2 साल पहले बावे जुरियत इमरान दे काफले दे विच एक सैयद ज़्यादा ही लईए दा, उसने इमाम दी बारगाह विच जाके ना सामरे बाबा जी अर्जी लिखी। अर्जी लिख के उस ते लिखिया कि जे मौला जहूर करो अपना, जे तुसी जहूर नहीं ना कर दे ते फिर मैनू अपने कोल बुला लो। अच्छा सामरे तो ज़ियारत करके तो बाहर निकले तो रोड के उत्ते बस खलोती सी, थले लत्था ते एक गड्डी आई तो उहदे नाल एक्सीडेंट नाल पुरबाश हो गया। उहदी निजी जिंदगी के बारे पता चलिया कि वह ज़्यादा वक्त कुराने पाक की तिलावत करता, और लोगों ने उहदा नाम रखिया होया कुरान शाह। गल करने का मकसद यह है कि बंदे नूं इमाम की चाहत इतनी एक होनी चाहिए, इतनी तड़प होनी चाहिए ता इमाम का जहूर हो। एक बंदे ने मौला सादिक आले मुहम्मद को पूछया सल्लल्लाहु, उस आख्या कि मौला तुहाडा कोई शिया किसे मकाम ते रहिंदा है, कोई किसे मकाम ते रहिंदा ते इमाम का जहूर होना है खाने काबे विच, तो मौला वो लोग किवें पहुँचणगे। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया कि याद रख हमारा कैम जो है वो ज़मीन की तनाबों को खींच लेगा। हमारा मानने वाला एक कदम अपने घर से बाहर रखेगा, दूसरा कदम उसका कैम के कदमों में होगा। अच्छा इमाम दिया 2 गैबतन, एक है गैबत सुगरा एक है गैबत कुबरा। अब बुजुर्गों को पता है बच्चों वास्ते गल शुरू की थी। गैबत सुगरा है बाबा जी सरकारे इमामे हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत तो लैके सरकारे कैमे आले मुहम्मद के 4थे नैब सरकारे हुसैन बिन रूह की मौत तक। इमाम दी तो की है हुसैन बिन रूह ने खत लिखा कि तू फला दिन नू साडे कोल आ जाएगा, तेरे बाद कोई नैब नहीं होवे। ये दुरानिया बनता है 80 या 82 साल, इन्हों आते ने गैबत सुगरा यानी कि छोटी गैबत।
ये अकीदे का हिस्सा है, बच्चों नूं गल दसनी चाहिए। दूसरी गैबत है गैबत कुबरा कि हुसैन बिन रूह की मौत तो लैके ए जिस वक्त असी जिंदगी गुजारते पे, इस आने गैबत कुबरा। गैबत कुबरा में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि साढ़े मनण वाले नूं चाहिए है कि दीन उथू हासिल करन जिन्ना दीन साढ़े को लिया है। गौर है मेरे पास, इमाम का फरमान है कि अगर थोड़े सिर के उत्ते मौत की तलवार लटक रही हो, कोई पुरसाने हाल ना हो, उस वक्त तुसी वक्त की हुज्जत नूं पुकारो, लम्हे में आके तुहाडी मदद करन। बहरीन दे विच शीयां की तादाद बहुत ज़्यादा, किताब का ना है मजालिसुल मोमिनीन, बहुत ज़्यादा तादाद शीयां की। बहरीन का जिहड़ा वज़ीर है ना, उहदे घर च एक अनार का पौधा है। बाबा जी उस एक ना अनार अपने उस दरख्त तो त्रोड़िया तो उहदे उत्ते कुछ ना लिखे हुए हैं, तवज्जो है मेरे पास, ये ना तारीख दे पेशानी ते मौजूद न, मजलस च ना लैण की जरूरत नहीं। गौर है मेरे पास, क्योंकि असा जिन्होंने मने मालिक उन्होंने बारे आख्या कि इन्हों तो रिजस दूर है, तवज्जो है मेरे पास, तो जो रिजस है उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं। वो कुछ ना लिखे गए, वजीर ने बादशाह नूं आख्या भी गल है भी शीयां ने ना ढोंग रचाया है, इंज कर इन्हां नूं आख भी ए रद्द पेश करन, अगर रद्द पेश नहीं ना कर सकते वाते ना शीयां नूं कतल करा दे ते इन्हां दीआं बीबियां नूं कैद कर। बादशाह ने शीयां नूं इकट्ठा किया, इकट्ठा करके बादशाह आख्या भी इन्हीं रद्द लैके आओ। बहरीन दे शीयां ने आख्या कि सानू त्रै दिन का टाइम दो, तवज्जो है मेरे पास। बाबा जी त्रै दिन तक ना बहरीन दे शीया तवस्सल करते रहे इमाम दे नाल, इमाम की बारगाह विच गुजारशात करते रहे। जो तीसरा दिन चढ़िया ना तो बहरीन दे शीया परेशान हो गए। एक सैयद ज़्यादा उठिया, ना है इब्राहिम। बाबा जी उस पैरों चु जुतियां लाइया, गिरेबान चाक किया, बावजू होकर सैराह विच निकल गया, सजदे सर रखिया, सर रख के अर्ज की कि बतूल का बेटा त्रै दिन मुकम्मल हो गए साड़ी मदद नूं आ। तवज्जो करे, जो इब्राहिम ने गल की कैमे आले मुहम्मद ने इब्राहिम के मोढ़े ते हाथ रख के आख्या मैं तो ना ही आख्या कि त्रै दिन का टाइम लो। गौर है मेरे पास, मौला फरमाया अगर तुसीं उस टाइम उस लम्हे पुकार दे ते मैं उस लम्हे तुहाडी मदद कर दा। इब्राहिम आख्या कि मालिक हुण करना की, मौला फरमाया कि परेशान ना हो, लगा जा बादशाह नूं नाल लेके वजीर दे घर, उहदे घर च दाखिल उसे सज्जे पासे कमरा, वो कमरा खोलें कमरे च एक संदूक, वह संदूक खोलें संदूक दे विच एक डब्बा, डब्बा खोलें दा डब्बे च एक रुमाल है, उस रुमाल दे विच हैन मिट्टी दे खौल। गौर है मेरे पास, मौला फरमाया कि जिन्हें उत्ते ये ना लिखे तो बादशाह नूं जाके दस, अगर वजीर ना मन्ने तो फिर वजीर की अख चक पा के आखी कि साढ़े पास वेख असी बेवारिस नहीं, साडा वारिस परदे दे अंदर मौजूद है। गौर है मेरे पास, सरकार इब्राहिम आए बादशाह नाल लेके वजीर दे घर, कमरा खोलिया संदूक खोलिया डब्बा खोलिया, वह खौल चाहे बादशाह इब्राहिम नूं आख्या कि तू इस तरह आया है कि जिस तरह तू अपने हाथ ना रखे। उस वक्त इब्राहिम आख्या कि बादशाह साडे वारिस होने जिन्हां दे सामने कैनात इंजे जिवें हाथ दी हथेली है। तवज्जो है मेरे पास, वह खौल कढे इब्राहिम दसे, वजीर आख्या नहीं। उस वक्त इब्राहिम आख्या कि मेरे मालिक मैनू हुक्म दिता है कि बादशाह नूं आख अनार खोले, जे दाने निकलन ते ए सच्चे ने, जे मिट्टी निकले ते असी सच्चे। बादशाह अनार खोलिया, जदों मिट्टी बरामद हुई ना बादशाह वजीर दे मुँह ते तमाचा मार के आख्या तैनू हया नहीं हुंदा, शक उन्हां ते कीता ही जिन्हां दी दलील खुद कुरान दित्ती। यानी कि सानू हर वक्त तैयार रहना चाहिए इमाम दे जहूर वास्ते। सादिक़ आले मोहम्मद का फरमान है कि दुआ मंगी क्योंकि मौला हम आपकी करीमी के तालिब हैं, अजमैश के काबिल नहीं है। लो जाकिर साहब आ गए, एक कूफे की बीबी है बाबा जी, 24 घंटे बुरखा पा के रख दी। मेरे पास वेखो भाई, मेरे पास वेखो, मेरे पास
24 घंटे बुरखे च रहंदे। कुछ लोगों ने सवाल किया कि तू हर टाइम बुरखे च क्यों रहनी, सौंदियां भी बुरखा उठदियां भी बुरखा। उस आख्या मैं बुरखा इस वास्ते पा के रखनी हाँ कि इमाम का जहूर हो जाए तो बुरखा पामण ना जावा, इमाम के कदमां ते बोसा दे। सानू सरकारे कायम दी इंतजार वास्ते हर वक्त तैयार रहना चाहिए। छेवें इमाम का फरमान है कि जो साढ़े कायम का जहूर होना है ना, इमाम के हाथ च दो तलवारां होना, इमाम ने मुर्तजिज ते सवार होना, उस सवारी जिहड़ी मौला मजलूमे करबला दे कोल है। और एक साडा अकीदा है, अकीदा है रजअत, भी एक बारी मर जाना फिर इमाम दे ज़हूर ते फिर कब्रां च उठना। और छेवें इमाम दा फरमान है, हम देख रहे हैं हमारे मानने वाले कब्रों से उठ रहे हैं, अपने कफनों से मिट्टी झाड़ते हुए मादी की बात पे लब्बै कह रहे हैं। और मौला दा फरमान है कि जो सरकारे कायम दा जहूर होना है तो जो सब तो पहला लश्कर होना है ना वो करबला विच होना, 71 सिपाहियां दा लश्कर। और मालिक दा फरमान है, किताब दा नाम है मादिये मौत और गैबत तुसी, जिद विच मैं अर्ज कर रहा कि उस वक्त जेडे करबला तो लश्कर होना है ना, उन्हां दे घोड़ियां दे उत्ते जीना सोने दियां होणा। और जो सरकारे कायम का जहूर होना, वक्त नहीं वक्त होंदा तफसील नाल अर्ज करा, सरकारे कायम का जो जहूर होना है मुर्तजिज़ ते मालिक सवार होना है, दो तलवारां बाबा नासिर शाह जी मालिक दे हाथ च होणियां। जो मालिक ने हमला करना है ना तो गलियां बाजार खून दे दरिया बन के वह पाउणे, उस वक्त लोगों ने हथ बन के आखना है बतूल दा पुत्र अमान अमान। उस वक्त मौला ने अपनी आबाद के अंदरू एक नलैन कढ़नी है, एक जुत्ती कढ़नी है जिंदे तस्मे त्रुटे होने। उस वक्त मालिक फरमाना है कि अजे तक मेरे दादे हुसैन दी इस जुत्ती दे त्रुटे तस्मे दी कीमत अदा नहीं हुई। मैं बिस्मिल्लाह कर। और ज़ियारत नहिया विच मालिक दा फरमान है, इमाम कायम दा फरमान है कि मेरा सलाम है उस दादे ते जिंदे अल 10 मुहर्रम नू 9 लाख चू कोई ऐसा हाथ नहीं जिस मेरे दादे नू ना मारिया हो। मैं बिस्मिल्लाह करा, हाय करके रोवण आला मां हुसैन दी राजी होवी। करबला और शाम ये दो शहर नहीं, उलमा पढ़दे ने दो मकतलगाहां, करबला ओ मकतलगाह है जिथे मां दे सामने पुत्र कुसदे रहे। मैं बिस्मिल्लाह करा। उन्हें क्या शाम ओ मकतलगाह है जिथे एक पुत्र दे सामने ढेर सारिया मावं कुसदियाँ रही। मैं बिस्मिल्लाह करा, आए करके रोण वाला मां हुसैन दी राजी होवी। सन 40 हिजरी च जदों सरकारे अमीरे कायनात नूं जरब लगी है ना कूफे च, इवें बाबे दा कुल करके ना, या कुछ मुअर्रखीन ने 40वां लिखे, 40वां करके मेरी सैन मौला हसन बादशाह दे पास डेक के आंदे ने, हसन वीर मैनू बाबे दी शाही रास नहीं आई। हसन वीर मेरा दिल चाहता है हुण वतन ते चलीए। जदों आलिया सैन आए ना तो कूफे दियां बीबियां कुरान पढ़दियां रहियां। बाबा जी साहब मिरकात उली खान ने लिखे है कि एक बीबी है जिदा ना है सालबिया, इस पाक सैन को कुरान पढ़िया, जदों टुरन लगे ना इस साल भी अदा अकद खौली नाल हो गया। मैं डरदा खड़ा, जुमला बड़ा औखा है, जवानों में दसा जेडे मातमी बैठे हुए खौली कौन है, ये कमीना है जिस 10 मुहर्रम की डिगर बतूल दे पुत्र दियां जुल्फें च हाथ पा के पहला तमाचा मारे। मैं बिस्मिल्लाह करा, पुत्र अली दे घोड़िया ते सवार हो गए, धियां अली दियां मामलों ते सवार हो गई, सालबिया नूं पता लगा दौड़दी दौड़दी मौला हसन बादशाह की सवारी दे कोल आई, इवें डेक के आंदी मौला तुसी हुण वतन ते वहिंदे पए हो, वत कदों आउणा है। मौला हसन की आवाज़ आंदी है, सालबिया हुण मैं नहीं आउणा, हुण हुसैन आउणा है। जदों आखे ना हुण हुसैन आउणा है, जल्दी दे नाल मौला की सवारी दे कोल आईए, इवें मालिक की बारगाह विच अर्ज कीती, मौला एक बारी अपनी सवारी दे कदम मेरे घर लेके आओ। मेरे मौला फरमाया कि सालबिया मेरिया बहना ज्यादा देर मामलों में बैठिया कदी नहीं।
मौला फरमाया दिन याद कर ले, तारीख याद कर ले, 12 मुहर्रम दी रात मैं हुसैन तेरे घर औसा। मैं बिस्मिल्लाह करा। साल भी आडे की आंदी है, मालिक कितने लोग हुसैन, इमाम दी आवाज आंदी है, मेरे काफले दे विच मर्द थोड़े होने, मस्तूरां ढेर होनी। सालबिया आदि है, मौला दसो तसी जेडे थोड़े नाल लोग मौजूद होने, उन्होंने इमामे कितने बनवावा। मेरे मौला की आवाज़ आती है, इमामे ना बनवावे, जो अस आना ना ऐसिया सवारियां ते सवार होना है जिथे इमामिया की लौड़ कहीं नहीं होनी। हाय करके रोवन आला मां हुसैन की राजी हो भी। मैं बिस्मिल्लाह करा, टुर गए मालिक कैनात वतन ते, सालबिया दिन गिणन लग पी, दिन चग कर लिया 61 हिजरी चढ़ी, मुहर्रम दा चन चढ़िया, सालबिया एक एक दिन गुजारन लग पी। मगरिब दी नमाज पढ़ के मकान दी छत ते बह के ना आसमान दे पासे मुंह करके आख्या, इसे महीने दा थोड़े आवण दा वादा है। मैं बिस्मिल्लाह करा, सोनी है कि दिन जदों आखे ना इसे महीने दा वादा है, 7 मुहर्रम है या 4 मुहर्रम है। एक खोली अपने घर आया, बस वहन पे करना, बाबा जी सा के जीरा पाइए, खोद पाए, एक इस खंजर चा के ना अपनी जीरा दे उत्ते रखन लगे। सालबिया करीब आके आंदी है, ए डसा जाओ किथे, उस वक्त कमीना डेग के आंदा ए नीनवाद जंगल साड़ी एक बागी नाल जांगे, बड़ी थोड़ी जी उहदी फौज असी जल्दी वापस आ जसें। सालबिया डेग के आंदी है, मैं तेनों मना नहीं करदी, तेनों पता है इस चन्न च मेरे पीरां मेरे घर आवण दा मेरे नाल वादा कीता होया है, वह वादे दे पक्के न। इवें सालबिया डेग के आंदी है, मैं सारे इंतजाम आप कर ली सां, लेकिन तेनू पता है मर्दा नू बहावण दे इंतजाम मर्द करेंदे। मैं बिस्मिल्लाह करा, 7 मुहर्रम नू पानी बंद होया, 8वीं 9वीं 9 लख इकट्ठा होया, अकबर नू सेरा पवावण दे कीते, बड़ी औखी गुजरी भैन ते भरा दी आखरी रात, चढ़ पिया 10 मुहर्रम दा डीं चढ़ना, जुलम दे दरिया च बतूल दी मेहनत रुड़न लग पई। डीगिर दे टैम रसूल दे पुत्र दा सर नेजे ते बुलंद होया, हर बीबी दी आवाज आंदी है, वाह हिजाबा, आयो मेरा बुरका। मैं बिस्मिल्लाह करा, साहिब किताब ने लिखे है, साहिब मकतल मुकर्रम ने, कि 11 मुहर्रम नू खौली ते जजर बिन कैस, ये मेरे मौला दा सर लेके कूफे आए। साहिब किताब ने लिखे, मैं मर जावा जुमला मैं ना पढ़ा, मौला दा सर इन्ना उत्थे रखिया जिथे घोड़े दा दाना पानी रखिया जांदा। 12 मुहर्रम दी शाम जदों कूफे दे बारू पहुंचे ना, ते जजर बिन कैस खोली दे पास डेग के आंदे, अगर ए सर कल हिफाजत नाल दरबार च लै आवे ना तेनों बड़ा वड्डा इनाम लेके दिसा। दिने चा कर लिया, इस कमीने हथ चाए मजलूम दियां जुल्फां विच पाए, सर मेरे मौला दा कंड दे पिछू लुका के ना जेने सोचदा हुंदा है, जिहड़ी इंतजार पी करदी है ओह सर वेख के मर वैसी। दरवाजे ते आए दस्तक कीती, सालबिया दरवाजे ते आई है, पईए खोली ते निगाह, जे सालबिया डेग के आंदी है, ए डसा मेरे पीरां नूं किदां डिठई या कोई ना, ओ दिने चक लो, इतनी आवाज इतनी गल करनी आई, उस वक्त खोली डेग के आंदे, मुबारक हो वी असां जंग जित लईए, जेड़े वेले जंग जितण दा नाम आया, डेग के आंदी है, मैं तेरी फतह ते लानत करनी आ, ए डसा मेरे पीरां नू किदां डिठई आ कोई ना, खोली आंदे तेरे पीर कूफे आ गए ना, ओ मातमिया ओ दौड़िए तिवें डेग के आंदी है, जल्दी दे नाल मसनद बनावा, थकोया ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸੀ ਰੋਣ ਲਿਓ, ਇੰਜੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈਏ ਖੋਲੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਰ ਰੱਖਾਂ ਕਿਤੇ, ਮਾਤਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਸਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਸਜਦਾ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚ ਇੱਕ ਤੰਦੂਰ ਆ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਸਰ ਤੰਦੂਰ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਆਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ, ਸਾਲਬੀਆ ਖਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਡੇਗ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਸਾਲਬੀਆ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ,
लेकिन इस जंग च दो जवाना दा घोड़े तुलाना नहीं भुलदा। उस वक्त साल भी डेक आंदी है केड़े केड़े जवान कमीना डेक आंदा, एक 13 साल दूजा 18 साल मदीने दे पासे मुंह कर किया दा, मेरे आवन दियां तंग ला मैं कोई नहीं वलना। रोवण वाले साल भी आंदी है इतने तक मेरे घर च रोवण की आवाज आई आंदी है, मैं बाहर निकलिया डिठा की है तनूर दे उत्ते नूर दियां अमारियां पईयां लांदियां ना आदी है, मैं बाहर आईया मैं डिठा की है काले बुरके वाली बीबी है जिंदे दोवे हाथ पासे दे जेड़े रो रो किया दे पेन कैत कैत रोवां, पहाड़ा विच रोवां या जंगलां विच रोवां, कोई एक जगह मुकर्रर करो रोल गई ने। साल भी करीब आइया डेक आंदी है बीबी कौन है मेरे घर च रोवन वाली आवाज आंदी है, जैंदा इंतजार भी कर दिए मैं ओदी मां बतूला, मेरी सैन दी आवाज आंदी है तेरे तनूर च मेरे पुत्र दा सारे जल्दी दे नाल मेरे मौला दा सर चाया है। रोवन वाले रोंदी रोंदी बोसा दिता सा रो रो क्या दी पई है दसा, अकबर दा बाबा तू है मोरे नबुअत सवार तू है, आवाज आंदी है मैं कुछ सुनियाण मैं हुसैना मैं अकला नहीं मेरिया बहना आईया होईया। जड़े वेले इतनी गल की है साल भी बार आई है पइए आलिया सैन दी निगाह मेरी सैन दी आवाज आंदी है अम्मा, अगे जदों मैं कूफे विच आईया मेरे भिरा घोड़िया ते सवार न मैं मामला ते सवार सा, मेरी सैन दी आवाज आंदी अम्मा ओ सामने वेख आज मेरे भिरा नेज़ियां ते सवार न, मैं बेपलाने उठते आउंदी पई है जड़ी मेरे घर दे बर्तन धोंदी रही है। साल भी करी भाई डेक आंदी है सैन और कुछ ना पुछदी फका तितना बताओ किन गया है जेंदे चोले तुहाडी मां सी ते आना। उस वक्त मेरी सैन उन्न ते रो क्या नरवा मेरे मुक गए माण भिरावां